बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे, एक ओवरव्यू मैं दूंगा आप लोगों को कि इस टाइम पाकिस्तान में एम्बेसीज कौन कौन सी एम्बेसीज ऑपरेशनल हैं और वो क्या काम कर रही हैं और आप उनसे क्या काम करवा सकते हैं। तो काफ़ी टेंशन सी लोगों को कि जी फलां एम्बेसी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, इसके बारे में डिटेल बताऊँगा इंशाल्लाह आप लोगों को। दूसरी बात, मैं रिक्वेस्ट अगेन करूँगा कि जो मैंने कल वीडियो लगाई थी जिसमें मैंने जुल्फी बुखारी से रिक्वेस्ट की थी कि वो लीबिया का ट्रैवल बैन और कनाडा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की गई थी, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करें, कर सकते हैं करें, इसमें हमारे ही भाइयों का फ़ायदा है। बैन हट गया, यकीन मानिए अगर ये बैन हट गया और वहाँ से डिमांड लीबिया से आई तो कम अज़ कम नाना करते हुए लाख से 1.5 लाख पाकिस्तानी का रोज़गार वहाँ पर मुहैया होगा। यकीन मानिए इतनी डिमांड है वहाँ पर इस टाइम। पर प्रॉब्लम क्या है कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसमें हर्डल्स है। सबसे बड़ा मसला गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है कि वो इतना इंटरेस्ट शो ही नहीं कर रही है इसके अंदर, बिल्कुल इंटरेस्ट शो नहीं कर रही और इस मामले को बिल्कुल मतलब हाई लेवल पे उठाया नहीं जा रहा। मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस वीडियो जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं शेयर करें। टॉपिक जानने से पहले रिक्वेस्ट है प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो भी करें। चलते हैं टॉपिक की तरफ दोस्तों। पाकिस्तान के अंदर COVID-19 की वजह से जो कुछ एम्बेसीज ने अपने सर्विसेज सस्पेंड की थी, ग्रेजुअली वो सब एम्बेसीज ने अपनी सर्विसेज बहाल कर दी हैं। जी हाँ, बहाल का मतलब क्या है ये प्लीज़ क्लियरली सुनिएगा। बहाली का मतलब क्या है दोस्तों, कि एम्बेसीज के अंदर सेक्शंस होते हैं। आपके पास एम्बेसडर सेक्शन है, कल्चर सेक्शन है, मिलिट्री सेक्शन है, आपके पास एक वो है वे सेक्शन है। हमारा जो कि किरदार हमारा वे सेक्शन के साथ लिंक है, तो हम वीजे सेक्शन के बारे में बात करेंगे कि कौन सी वे सेक्शन ओपन हैं और वो कर क्या रहे हैं। इस टाइम मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ की जो वीज़ा सेक्शंस हैं वो 100% ऑपरेशनल है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, इस टाइम पाकिस्तान के अंदर जितने एम्बेसीज हैं पाकिस्तान में, सब के सब, अगर एम्बेसी की बात करें इस्लामाबाद के अंदर और कराची में काउंसिल जनरल या लाहौर में काउंसिल जनरल ऑफिस हैं, सब के सब ओपन हैं। बट कुछ ममालिक टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई हो रहे हैं, कुछ में स्टडी वीज़ा हो रहे हैं और कुछ में बिजनेस वीज़ा हो रहे हैं। शेंजन की बात करूं पार्टिकुलरली, शेंजन में इस टाइम कोई भी मुल्क आपके नया टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। इस टाइम सिर्फ और सिर्फ जो आप फेसबुक पे देख रहे हैं, जो लोगों के वीज़ा लग रहे हैं, इनमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो COVID-19 में जिन्होंने अपने केसेस सबमिट करवाए थे और ना एम्बेसी को कॉन्टैक्ट किया ना इन क्लाइंट ने खुद कॉन्टैक्ट किया, तो अब आकर कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट हुआ। एम्बेसी की तरफ से भी कुछ लोगों को कॉल की गई है। मैं जानता हूँ कुछ नीदरलैंड के एम्बेसी ने लास्ट वीक कुछ क्लाइंट को कॉल की थी और नीदरलैंड एम्बेसी ने यह कहा था उनको कि प्लीज़ कन्फर्म होटल बुकिंग दे हमें आप, और इस तरह कुछ इटली स्पेन आइसलैंड एम्बेसी ने कॉन्टैक्ट किया ये क्लाइंट को हमारा, तो कुछ एम्बेसी खुद कॉन्टैक्ट करिए। बट वो नए केस सबमिट नहीं हो रहा टूरिस्ट वीज़ा, वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को वीज़ा दे रही है जो पुराने केस सबमिटेड थे। अगर वो एलिजिबिलिटी कंप्लीट करते हैं तो उनको वीज़ा इशू कर रहे हैं। जैसे रिसेंट आपने देखा होगा कि सी कैटेगरी का जो है टूरिस्ट वीज़ा नीदरलैंड का वीज़ा इशू हुआ 2 ईयर्स मल्टीपल। अच्छा, ये तो हो गया टूरिस्ट की वीज़ा की बात। अब आते हैं कुछ शेंजन ममालिक में डी कैटेगरीज लॉन्ग स्टे वीज़ा भी इशू हो रहे हैं। इसी तरह कुछ उनके पुराने केस सबमिटेड हैं और बट डी कैटेगरी में कुछ नए केस भी सबमिट हो रहे हैं। बट अब जो बंदा फर्स्ट टाइम जा रहा है वो डी कैटेगरी में फॉल नहीं करता। डी कैटेगरी का मैं पहले भी कई दफ़ा बयान कर चुका हूँ कि डी कैटेगरी बेसिकली लॉन्ग स्टे वीज़ा है। लॉन्ग स्टे वीज़ा का मतलब ये होता है अगर आपके वहाँ पे फैमिली मेंबर को मिलने जा रहे हो और 90 डेज से ज़्यादा स्टे करना है आपने, तो आपको 9 डी कैटेगरी मिलेगा, या वर्क परमिट को भी डी कैटेगरी कहा जाता है। इस टाइम इटली, नॉर्वे, स्वीडन भी डी कैटेगरी दे रहा है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ वेबसाइट पर मौजूद हो, मैं दोबारा बता दूँ, जरूरी नहीं कि वेबसाइट जेरिस की वेबसाइट पर हर चीज़ मौजूद हो, आप एम्बेसी कॉल करके खुद पूछ भी सकते हैं। तो शेंजन में टूरिस्ट वीज़ा बिल्कुल बंद है। पुराने जो केस हैं वो अब आस्ता आस्ता निकलना स्टार्ट हुए हैं, कुछ लोगों ने खुद कॉन्टैक्ट किया है और कुछ को एम्बेसी ने खुद कॉन्टैक्ट किया है। बट सबसे बेस्ट इस टाइम बात यह है, मजे की बात यह है कि इस जो वीज़ा इशू हो रहे हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन के वीज़ा इशू हो रहे हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन वीज़ा इशू नहीं हो रहे। अगर टूरिस्ट वीज़ा है तो कुछ कहीं को साल का मिल रहा है, कहीं को 6 महीने का मिल रहा है, इस टाइम लॉन्ग स्टे वीज़ा इशू हो रहे हैं। अब एक 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 कैटेगरी है इमरजेंसी वीज़ाज। अच्छा, इस अब एम्बेसीज के अंदर अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई रीज़न है उस मुल्क में जाने के लिए और वो बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत इमरजेंसी रीज़न है, तो बिल्कुल आप एम्बेसी कॉल करके उनको ईमेल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली हमारा एक बिजनेस वीज़ा का इटली का, उन मोहतरम साहब ने कॉन्टैक्ट किया कि हम भाई मेरी लाजमी मैंने जाना है, खैर वो ख़त्म था, ई मेल थ्रू चली और उनको पासपोर्ट सबमिट हुआ और वीज़ा मिल गया। इस तरह आपके पास अगर कोई जेन्युइन रीज़न है जाने के टूरिस्ट वीज़ा के अलावा, आपकी लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल वाइफ आपकी वहाँ पे है, आप यहाँ पे आप मिले नहीं काफ़ी अच्छे से,
जाना चाहते हैं, कोई बीमार है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी बिल्कुल आप जा सकते हैं, बट उसका प्रोसेस यही है, आप ईमेल करेंगे, एम्बेसी आपको बोलेगी फर्दर डॉक्यूमेंट्स आप हमें दें, या आपको बोलेगी कि जज थ्रू अप्लाई करें, मगर वो जज को इंडिकेट कर देगी पहले कि आपने इस क्लाइंट के डॉक्यूमेंट लेने हैं, या वो कहेगी हमें आप डायरेक्ट टीसीएस कर दें या एम्बेसी आ जाए। बिल्कुल एम्बेसी इस टाइम ऑपरेशनल काम कर रही है, कोई इशू नहीं है, बट अगेन टूरिस्ट वीज़े के लिए सॉरी करूंगा, उनके लिए कोई ऑप्शन इस टाइम मौजूद नहीं है। ये होगी शेंजन की। अब यूके की बात है, ऑलरेडी बना चुके हैं कि यूके काम कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, कनाडा की बात है, बहुत गुड, अच्छी गुड न्यूज़ है अल्लाह पाक के फजल करम से कि कनाडा का वीज़ा, एक हमारे क्लाइंट का इशू हुआ, उनको जनाब टी सी एस के जरिए डॉक्यूमेंट्स वो पासपोर्ट भेजा और उनको वापस कनाडा एम्बेसी ने उनको टी सी एस के जरिए भेजा, पासपोर्ट रिसीव हुआ, वीज़ा लगा हुआ मिला और वो अभी खैर ट्रैवल तो खैर नहीं कर सकते यहाँ पे। इस तरह कुछ एम्बेसीज इंटरनली काम कर रही हैं, ज़रूरी नहीं कि हर एम्बेसी की मालूमात वेबसाइट पर मौजूद हो। यूएसए के बारे में बताऊँ, बहुत अच्छी खबर ये है कि ट्रंप हार चुके हैं अनफॉर्चुनेटली और बाइडेन आ चुके हैं। बाइडेन की पॉलिसीज से वो बाबा पॉलिसीज हैं इमिग्रेंट्स के लिए, कि अभी रिसेंट जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है कि बाइडेन की बहुत जो पॉलिसी है बहुत नरमी लाई जा रही है, और जो बाइडेन जो ट्रंप ने जो पाबंदियाँ लगाई है इमिग्रेशन के ऊपर अपने सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए, वो कैंसिल किया जा रहा है। क्यों? कि वो समाज दुश्मन, उनका उनका वर्ड था कि डजंट सूट द अमेरिकन टू बायकॉट सच एग्रीमेंट्स, तो इसलिए वो कह रहे हैं जी कि हम इस चीज़ को बिल्कुल हम कैंसिल करेंगे सदारती ऑर्डिनेंस को, और इमिग्रेंट्स जो ऑफिशियली 31 दिसंबर 2020 बैन है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। आपको पता है इसमें, इस प्रोसेस में चूंकि बाइडेन हल्फ उठाएंगे, हल्फ के बाद वो सदारती हुक्मनामा जारी करेंगे, तो इस प्रोसेस में 2 से 2.5 माह लग सकते हैं। बट अगेन यूएस एम्बेसी इस टाइम अपॉइंटमेंट्स ले रही है, एमरजेंसी बेसिस पे वीज़ाज वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट वो जो मैंने कहा था वर्क परमिट के, मेडिकल वर्क परमिट के वीज़ाज एक्सेप्ट कर रहे हैं, नॉर्मल एक्सेप्टेंस मेरी नज़र में इस टाइम, मेरे मालूमात में इस टाइम नहीं है, बट मेरे पास ये कन्फर्म इन्फॉर्मेशन है कराची काउंसलेट से कुछ मेडिकल वीज़ाज लगे हैं और यहाँ इस्लामाबाद में कुछ मेडिकल वीज़ाज वो लगे हैं और लोग चले गए हैं यहाँ से। ये लेटेस्ट अपडेट एम्बेसिस की। हाँ, थाईलैंड एशिया की बात करें, थाईलैंड ने एक लिस्ट इशू की है 10 से 12 कंट्रीज़ की, जो लो रिस्क कंट्रीज़ हैं उनको अलाउ किया गया कि वो अब आ सकते हैं, और थाईलैंड ने अब लॉन्ग स्टे वीज़ा जो 60 डेज़ का वीज़ा इशू करना स्टार्ट कर दिया है, बट पाकिस्तान उस लिस्ट में शामिल नहीं है क्योंकि ग्रेजुअली ओपन कर रहे हैं। थाईलैंड में अभी तकरीबन 8 से 10 हज़ार टूरिस्ट जा भी चुका है, एंटर हो चुका है वहाँ पे, और बट एक इशू ये है कि थाईलैंड में क्वारंटाइन का जो सिस्टम है कि 8 दिन अपने क्वारंटाइन करना खुद को, ये एक इस टाइम थोड़ा सा इशू है, तो वो अभी तक सॉल्वेबल नहीं है। इस तरह जापान के बारे में मैंने वीडियो बनाई है, ऑस्ट्रेलिया ने भी अभी मैंने न्यूज़ पढ़ रहा था जो कि इंडिकेशन दिए कि वो अपने ट्रैवल बैन को हटाया जा रहा है, और मे बी आई थिंक विद इन अ वीक और टू उसको भी हटा दिया जाएगा। तो न्यूज़ फ्रॉम द सेंटर इज़ दिस कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज पाकिस्तान में जिनकी एम्बेसीज हैं वो ऑपरेशनल हैं, बट टूरिस्ट वीज़े के लिए शेंजन नहीं है। आपके पास अगर स्ट्रॉन्ग रीज़न है उस मुल्क जाने के लिए, जिस मतलब बिजनेस है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, उसके बेस पे आप अपनी प्रोफाइल एम्बेसी में एम्बेसी को अप्रोच करके सबमिट करवा सकते हैं, और एम्बेसी आपको रिप्लाई बैक करेगी, ख्वाया वो डायरेक्ट करे आपको या आपको वो जज के थ्रू करे। और जिन लोगों के सबमिटेड एम्बेसी के अंदर और भूल चुके हैं, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे आप कॉन्टैक्ट करें एम्बेसी को, अगर एम्बेसी खुद कॉन्टैक्ट नहीं करी आप उनको कॉन्टैक्ट करें, उनसे आप केस अपना वापस विदड्रॉ करवा सकते हैं, या आप उनसे कहें कि जी मैं विदड्रॉ फॉर अ टाइम भी विदड्रॉ करवा रहा हूँ, नेक्स्ट जब आप ऑपरेशनल करेंगे तो मैं अपने केस दोबारा सबमिट करवा सकता हूँ। और कुछ लोगों को एम्बेसी खुद भी कॉन्टैक्ट कर रही हैं, तो आज कन्फ्यूजन थी काफ़ी लोगों, काफ़ी अच्छे से कि कौन सी एम्बेसी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, एम्बेसीज बंद नहीं हैं। जिन हजरात को, मेरे भाइयों को, बहनों को इन्फॉर्मेशन चाहिए एम्बेसी के बारे में, बहुत आसान काम है, गूगल करें, एम्बेसी के नंबर निकालें, कॉन्टैक्ट कर लें, ऑफिस टाइम में कॉन्टैक्ट करें, वो आपको बता देंगे कि हम लोग क्या करें क्या नहीं करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों की काफ़ी आज हेल्पफुल हुई होगी, और दोबारा रिपीट करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ उस वीडियो को शेयर करें जो जुल्फी बुखारी के लिए मैसेज बनाया गया है। अगर भाई की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।